नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल द वंदे भारत। हरियाणा में कोविड मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से परियोजना की शुरुआत की। परियोजना में कोविड 19 के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले मरीजों की देखभाल तुरंत उनके घर पर ही की जाएगी। इससे उन्हें इलाज के लिए घर से नहीं निकलना होगा और न ही अस्पताल जाना पड़ेगा। सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। इससे अस्पतालों पर भी दबाव कम होगा। संजीवनी परियोजना उन ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा देखभाल का विस्तार करेगी जहां वायरस की दूसरी लहर के फैलने और इस बीमारी के इलाज के बारे में जागरूकता कम है। सरकार का मानना है कि समुचित देखभाल से 90% से अधिक रोगियों का घर पर ही इलाज किया जा सकता है। बता दें कि अस्पतालों में बिस्तर की उपलब्धता, ऑक्सीजन की आपूर्ति, एम्बुलेंस ट्रैकिंग और घर घर जागरूकता अभियान जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों के प्रबंध के लिए एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र प्रदान करेगी। परियोजना के तहत कोविड हॉटलाइन का संचालन होगा जो संदिग्ध या क्लिनिक में इलाज किए गए कोविड 19 के रोगियों को बुनियादी प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मौजूदा कॉल सेंटर की क्षमताओं को बढ़ाएगी। बता दें कि मेडिकल इंटर्न के अलावा 200 मेडिकल फाइनल ईयर और प्री फाइनल ईयर के छात्रों को जुटाकर उन्हें सलाहकारों और विशेषज्ञों से जोड़कर चिकित्सा सलाह के दायरे का विस्तार करेगी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार, जय हिंद।